So hello everyone, welcome back to another video or welcome to another video of online school. तो ये वाली वीडियो जो है वो है 30 types of engineering. देखिए ये वीडियो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलने वाली क्योंकि इतनी सारी इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में कोई नहीं बताने वाला है. मैं पूरी इंजीनियरिंग फील्ड में क्योंकि आपके सिर्फ चार या पांच आती होगी, मैकेनिकल सिविल CS हो गया, IIT हो गया, ये सब चीज़ें आती होगी और भी इंजीनियरिंग है जो आपको सुने भी नहीं होंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा. मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो अगर लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको बाद में करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सही वीडियो बनाने वाला हूँ पूरी डीप में. जो छह ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करूंगा वो भी बताऊंगा मैं आपको डीप में. प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे और जो 29-30 इंजीनियरिंग फील्ड है वो हम बात करेंगे उसके बारे में. और अगर तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए. तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. पूरी इंजीनियरिंग ले चुके और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यार ये कोर्स जो है पूरे आपके ऐसा नहीं है कि आपसे 11 12th हो या 9 10th हो. अगर आपको इंजीनियरिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको देखना चाहिए और मैं ये भी कह रहा हूँ जो मेरे दोस्त वगैरह वो उनको भी देखना चाहिए क्योंकि ये कोर्स जो है आपको मतलब हेल्प करेगा. मतलब जो बता रहा हूँ आपके बाद क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम. तो बेसिकली 30 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैं देख चुका हूँ पूरी जिनके आपने शायद तक नाम भी नहीं सुने होंगे. तो बिल्कुल ये वीडियो स्किप नहीं करना, एक एक करके मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा और हो सकता है मेरे को 4-5 हफ्ते हो जाए इस वीडियो में बनाते बने इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते क्योंकि करियर ऑप्शन के बारे में मैं बताया था. मैं बोला था डीप में तो बनाऊंगा ही मैं ये वीडियो. अगर वाली वीडियो नहीं देख रहे नॉन मेडिकल वाली तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप देख सकते हैं. फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं. तो बेसिकली देखिए सबसे पहले इंजीनियरिंग आती है हमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की इंजीनियरिंग भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, केरामिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जो कि सबसे ज्यादा मतलब एक क्रेज है इसका भी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ते जो है ऑटोमोबाइल्स करके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बोल सकते हैं आती है ऑटोमोबाइल पर एक सेपरेट कोर्स भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का. फिर उसके बाद हमारे पास है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, मेट्रोलॉजी ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी दरअसल बीटेक भी होता है इसका, बीएससी भी होती है वगैरह वगैरह. मेटलर्जी आपने 11th में पढ़ रखा होगा एक टर्म दी है ना. फिर उसके बाद है तो माइनिंग इंजीनियरिंग हो गई, नावल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, पॉलीमर इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स के बारे में जानते होंगे उसके बेस पे भी इंजीनियरिंग, और रोबोटिक्स जो कि सबसे क्रेजी और मेरे को सबसे कूल सब्जेक्ट लगता है इंजीनियरिंग के वो है. और फिर आता है हमारे पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब बीटेक. इसमें क्या होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी बीएससी वगैरह भी होती है तो एग्रीकल्चर बीटेक भी होता है राइट. एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग है एक, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली दोनों एक ही सब्जेक्ट मतलब थोड़े बहुत उनके मिलते जुलते नहीं है सब्जेक्ट, बाकी पूरा एक कोर्स ही उनका सेम सा रहता है. उनका भी एक ऐप डेवलपर बनने का रहता है और कंप्यूटर साइंस में भी कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है. तो बिना किसी देरी के अब हम एक एक करके पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहली इंजीनियरिंग है मैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है, तो जो सबसे पहले हम बात करने वाले वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्शन दे दूँ तो क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो रहती है वो दरअसल डील्स करती है आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह में और पावर प्लांट्स की डिज़ाइनिंग सेटअप करने में, पावर प्लांट्स बनाने के लिए और भी टूल डिज़ाइनिंग वगैरह चीज़ें उसमें वो करती है, और रोबोटिक इंस्पेक्शन सिस्टम एक इमर्जिंग फैक्टर्स है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने मिल सकता है. और भी चीज़ें हैं जैसे डिज़ाइनिंग बोल चुका है, एक वर्कशॉप ऑटोमोबाइल्स की आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना, और भी चीज़ और जो टूल्स वगैरह भी बनाते हैं आप, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं. अब एक एक करके हम इंट्रोडक्शन तो दे दिया, हम देखते हैं कि आप क्या है. देखिए सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी में बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 10+2 होना ज़रूरी हो जाता है और मैथ्स बायो और केमिस्ट्री से आपको एक ग्रेजुएशन मतलब ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब बायो की जगह मैथ्स वगैरह ऐसा रहता है. और अगर IIT के आप सपना देख रहे हैं तो आपको JEE फोड़ना ही पड़ेगा, इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको हो सकता है IIT एडवांस मतलब एक एडवांस भी आपको JEE फोड़ना पड़ सकता है तभी आप मिलेंगे इस IIT के. जो इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ तो ये देखिए IIT में IIT बॉम्बे कराता है, IIT
और भी IITs है, NITs में भी बात करें तो NIT भी बहुत से कराते, मेरिट वगैरह करा देते हैं, और बिट्स वगैरह आपने सुन के रखा होगा, प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी होती है ना। तो और भी कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे अचूता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर भी कराता है, रेवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बैंगलोर, HKBK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर, IIT बॉम्बे, और नेक्स्ट NITS वगैरह, SCSITs आप मध्य प्रदेश का है इंस्टीट्यूट, वो भी कराते हैं इंदौर में। अब जो मैं एलिजिबिलिटी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, कोर्सेज आप क्या सोचते हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर में इंजीनियरिंग, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो खत्म हो चुका है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा आप कोई नहीं जानते होंगे क्या होता है, तो उसके पूरे कितने 8 कोर्सेज हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहला कोर्स है सर्टिफिकेट इन मैकेनिक ऑफ 4 व्हीलर, राइट। और इसका जो है डिप्लोमा है मैकेट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स एक्चुअली होता है क्या, मैकेट्रॉनिक्स एक ब्रांच हो जाती है, 6 सेमेस्टर में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं क्या होता है मैकेट्रॉनिक्स, एक टेलीकॉम मतलब इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल एक चीज मिला के, मतलब आपकी जो रहती है वो एक टेलीकॉम कंपनीज में यूज होता है आपको इसमें, मतलब आप डेटा स्टोर वगैरह करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह क्या रहता है। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिग्री आप नहीं कर रहे, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे, डिप्लोमा कर रहे, थोड़ी डाउनफॉल डिग्री हो जाती है इससे। और फिर BTech होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, राइट। और है हमारा मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब MTech है, मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन टूल डिजाइनिंग, टूल डिजाइनिंग क्या होता है कि आपके जो भी टूल्स रहते हैं थोड़े बहुत, जैसे कार की मैं बात करूँ तो आपको चेचेस वगैरह हो गए तो ये ऐसे ही लगे नहीं आते, इसको डिजाइन किया जाता है, तो टूल डिजाइन का भी एक कोर्स होता है। और फिर आता है डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी एक कोर्स हो जाता है जिसे आप कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एक कोर्स है जिससे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। जो हम नेक्स्ट डिग्री की तरफ जाने वाले या फिर नेक्स्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाले वो है, हम जो बात करने वाले वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मैं बात करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह है, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर्स में आपका यूज़ रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, और भी कई जगह जैसे आपके एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यूज़ होता है, आपकी कई चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल से ही चलती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है यार इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि स्पार्क प्लग वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिकल का ही काम रहता है उसमें थोड़े बहुत फंक्शनिंग का। और जो इंट्रोडक्शन है वो तो हो चुका, अब हम जो उसमें एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्या होता है कि 10+2 विद PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और कोर सब्जेक्ट होने चाहिए। और इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे पास है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, आंध्रा यूनिवर्सिटी, ये टॉप के इंस्टीट्यूट में बात करूँ, आंध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम, नेक्स्ट NITS है, GFTI से बहुत से। और कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हैं BTech और MTech, मतलब BTech आप पहले 4 साल का करिए फिर MTech कर सकते हैं। तो ये जो है वो पूरा मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक की, अब हम थोड़ी बहुत जो कोर ब्रांचेस है मैं पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं थोड़ी और भी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। चलो हम जो नेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात करेंगे वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली आपके क्या क्या होता है कि डैम्स वगैरह बनाने, डिजाइनिंग और उसके स्ट्रक्चर जो वर्क्स रहते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन में मैं डाल सकता हूँ। और जैसे आप डैम्स बनाते, टनल्स बनाते, और भी चीज़ें हैं जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल से घर वगैरह, फ्लैट्स, ये सब चीज़ें एक सिविल इंजीनियर्स का पूरा काम रहता है। इसमें आपकी कंक्रीट वगैरह यूज़ करते हैं, उस बारे में बहुत डीप में बता देंगे अपन लोग बाद में, ये तो एक इंट्रोडक्शन है बस। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगती है और क्या क्या चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके 10+2 होना ज़रूरी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड कोर सब्जेक्ट्स आपकी ज़रूरी है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट्स में की बात करूँ तो IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर, आपने सुना होगा SC वर्मा सर, वो एक्चुअली IIT कानपुर से थे और वो मेरी ब्रांच के थे जो कि मैकेनिकल थी। और आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम भी एक अच्छी की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और कैलकट यूनिवर्सिटी है केरला इंस्टीट्यूट में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में। देखिए जो ये है IITs भी है, NITs भी बहुत से इंस्टीट्यूट है जिससे आप परस्यू कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा एक कोर ब्रांच है जैसे बोला जाता है। और फिर अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो 3 कोर्सेज है हमारे पास, BTech है क्योंकि पिछले साल ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हटा दिया गया है, सबको BTech ही करना पड़ता है। फिर MTech है हमारे पास जो वो है, पर MTech आप सिंपल MTech भी कर सकते हैं
और डुअल डिग्री। डुअल डिग्री एक्चुअली होती क्या है कि डुअल डिग्री में आपके जैसे एमटेक और उसको मिला के आप कर ले तो करीब 6 साल का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। पर डुअल डिग्री में बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो कराते हैं इंडिया में, और उसमें क्या होता है एमटेक और बीटेक आपको साथ में करा देंगे, वो भी ऑल टोटल होगा 5 ईयर्स में आपको पूरे डुअल डिग्री एमटेक और बीटेक करा देंगे। और फिर आप उसके बाद पीएचडी कर सकते हो, कोई भी आईआईटी रुड़की वगैरह है उधर से आप कर सकते हैं। तो मैंने पूरा सिविल इंजीनियर का एक ओवरव्यू यहाँ पे अच्छे से बता चुका हूँ। तो अब जो हम नेक्स्ट सिविल तो हमारी नेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग है इसके बारे में एक इंट्रो दे देता हूँ। इंट्रो दरअसल इस तरह की ये डील करता है आपकी कंप्यूटर साइंस पे बेस, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी बेस इंजीनियरिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग वो आपकी टेस्टिंग के लिए रहते हैं और डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाती है, ये टाइप की इंजीनियरिंग और भी चीज़ें रहती है इसमें। इसमें दो टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस को अगर डिवाइड करूँ तो मैं एक हार्डवेयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हैं और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे है ना। और मैं बोलूँगा यार अगर अभी तक आप इस वीडियो में टिके हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग छोड़ चुके हो सकता है बहुत लोग छोड़ चुके होंगे इस वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ी, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है इस टाइम पे, मतलब 2018 से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मतलब इतना कॉम्पिटिशन होता है कि आप ऐसा नहीं कि JEE आपने क्रैक कर लिया तो आप IIT में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है। JEE एडवांस में भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि आपको टॉप में रहना पड़ेगा तभी एक IITs वगैरह में आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं या फिर आप कर सकते परस्यू कर सकते हो उसमें आपका करियर। तो बेसिकली अब मैंने कब इंट्रो तो बता चुका हूँ, अब इंट्रो के बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। देखिए एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, 10+2 होना चाहिए, बायो और मैथ्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और JEE मेंस के लिए JEE मेंस फॉर IIT, मतलब क्या है कि JEE मेंस आपको क्रैक करने की ज़रूरत है, हो सकता है JEE एडवांस भी आपको क्रैक करने की ज़रूरत है तभी आप मिलेंगे, राइट। तो जो इंस्टीट्यूट्स में बोलूँ तो वो है IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT का वो बहुत चीज़ें कराते हैं, मैकेनिकल वगैरह में भी है। SC वर्मा सर एक बार और मैंने बात कर चुकी है कि नहीं मेरे को खुद याद नहीं है, SC वर्मा सर भी उधर से पढ़े हैं जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखे हैं, जो कि 11th-12th के लिए सबसे लोकप्रिय बुक है, राइट। तो एक है हमारा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और हमारे में NITs वगैरह भी कराते हैं, NITs भी कराते हैं ये वाले इंजीनियरिंग। तो ये मैंने टॉप के इंस्टीट्यूट्स लिख चुके हैं, राइट। कोर्सेज की मैं बात करूँ तो देखिए BTech आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, फिर BTech कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लास्ट मैंने डिग्री डिस्कस की थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। BTech कर सकते हैं आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो मैंने बोला था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं, राइट। फिर उसके बाद आती कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप डिग्री कर सकते हो, फिर उसके बाद आप MTech भी कर सकते हो जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आता है। तो अब जो है हो चुका है ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो हमारा नेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो है, जो हमारी नेक्स्ट इंजीनियरिंग है या फिर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मैं बोलूँ वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मतलब सॉरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, फिर इसके सबसे पहले ऑप्शन इसी को देखते हैं कि ये थोड़ा रिलेटेड बोल सकता हूँ पर होता नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फिर जाना चाहते हैं, इसलिए इसकी भी सीट्स थोड़ी, मतलब कंप्यूटर साइंस जितनी तेज़ी से भर्ती नहीं है पर भर्ती है बहुत जल्दी। तो राइट इसमें मैं बात करता हूँ कि होता क्या क्या कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग रहती है, इंट्रोडक्शन में बात करूँ, और ये इंटरफ्रेसिस वगैरह रहते हैं, और इसमें प्रोडक्टिविटी का भी मतलब ग्रोथ में भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑयल फील्ड स्टील्स वगैरह में इनका उपयोग रहता है, और ये इधर पर मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये एक टेलीकॉम भी रहते हैं, टेलीकॉम क्या करते हैं जैसे कि अभी मैं रिसेंटली बात करूँ जब गवर्नमेंट ने पूरे टिकटॉक्स वगैरह को बैन कर दिया था 59 चाइनीज ऐप्स को, तो दरअसल हुआ ये था कि कुछ में पहले से इंस्टॉल था, तो टेलीकॉम जो कंपनीज रहती जो करती है मतलब हैंडल करती है वो सबको, तो वो टेलीकॉम कंपनीज ने पहले ही मतलब आपके में लिखा आता होगा नो इंटरनेट कनेक्शन, भले आपके में इंटरनेट, तो वो टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू हुआ था वो चीज़, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही हैंडल करते हैं, राइट। तो ये क्या क्या बनाते हैं जैसे चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी डिवाइसेज रहती हैं या फिर बहुत बड़े बड़े डिवाइसेज भी रहते हैं वो सब बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये एक फिनिशिंग भी बोल सकता हूँ मैं कि जैसे आजकल की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ कि आपको क्या होना चाहिए कि आप दे सकते हो, तो बेसिकली यही है 10+2 होना चाहिए, बायो और मैथ्स,
और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जेईई मेंस वगैरह देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट चाहिए, राइट। फिर इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो आईआईटीज बहुत से हैं, पर अभी मैं लिखा नहीं हूँ। एक सबसे मेन आईआईटी देख दिया, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर इज वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे के बाद में कहूँ या फिर उसके और नीचे रैंक देखती है, तो उसके ये भी एक बहुत अच्छा आईआईटी जो कि जो हम सुनते आए इंजीनियरिंग के बारे में वो रखता है। एक और है गुरु गोविंद सिंह, सिंह लिखना वो भी सॉरी है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में। एनआईटी से जीएफटीआई से, जीएफटी में मैक्सिमम जीएफटीआई में मिल ही जाता है, एनआईटीज में हो सकता है मिल जाए पूरी जगह पे, राइट। तो अब जो कोर्सेज में बात करूँ तो सबसे पहले है बीटेक डिप्लोमा के बाद। डिप्लोमा दरअसल होता क्या है कि ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, पर होती है दरअसल। आप डिप्लोमा जो रहता है एक्चुअली टेंथ के बाद भी आप ले सकते हैं, ऐसा रहता है डिप्लोमा में। तो जैसे पॉलिटेक्निक आपने सुन रखा होगा, पॉलिटेक्निक टेंथ के बाद दे सकते हैं और इसी ब्रांच लेके आप कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप डिप्लोमा करते हैं ना, तो डिप्लोमा में आपको करीब 3 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद इसी बेसिस पे अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा हो गया, अगर डिग्री लेना चाहे तो उसी ब्रांच में आप या फिर उसी कॉलेज में कहीं भी जाके आपको सिर्फ 2 साल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका जो टोटल कोर्स हो जाता है वो 5 ईयर्स का हो जाता है डिप्लोमा में डिग्री कंप्लीट। और बीटेक में सीधे सीधे 4 साल का रहता है, ये बात हो जाती है। पर अगर 12th के बाद देते तो थोड़ा हो सकता है कि आपको बड़ा सा लगे, पर 1 साल मतलब फालतू में जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर 10th में देते तो आपका 1 साल बचता भी है, ऐसा है। तो भी डिप्लोमा हो गया, बीटेक के बारे में जाते हैं। बीटेक भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, फिर पीएचडी वगैरह भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो हो गई, अब मैं लास्ट इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ता हूँ। तो ये जो है मतलब मैंने बोला था लास्ट पार्ट, मतलब लास्ट इंजीनियरिंग नहीं है ये, इसके बाद भी बहुत सी वीडियो बनेगी, अगले हफ्ते भी डालूंगा मैं इसी टाइप की। तो बेसिकली अब हम जो अभी के लिए आज के दिन के लिए आखिरी जो है वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देखना होगी हम, ठीक है, देख देता कोई दिक्कत नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन चलो कोई नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ही बोलते हैं आज क्योंकि मैं बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्या होती है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि डील करती है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में, और डील करती मतलब जो बनाने मतलब कंप्यूटिंग पार्ट्स बनाने में हेल्प करती है, जो ऑटोमेटेड मशीन्स रहती है उसके बारे में बनाने में हेल्प करती है डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक चीज़ और है कि इंडिया में जो ये डिग्री है या फिर मैं एक ब्रांच है इसके बहुत कम कॉलेजेस है, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं, गिने चुने होंगे जो टॉप के हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, और आपको अगर कॉलेज चाहिए तो जेईई एडवांस से गुजरना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज कम है तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है और लोग करते हैं इस इंजीनियरिंग को चाहे तो, राइट। और इंस्टीट्यूट जो है वो है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक में है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, और IITs और NITs से गिने चुने हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोर्सेज की बात करूँ तो कोर्सेज क्या है, BTech है हमारे पास, MTech है, MPhil है, और आप उसके बाद PhD भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने पूरा बता दिया, सॉरी गाइस ये जो वीडियो है वो लेट आएगा क्योंकि संडे में हमेशा मैं 11 बजे तक तो डाल ही देता हूँ, पर ये वाला वीडियो थोड़ा दिक्कत हो रहा था मेरे को शूट करने में और बहुत सी चीज़ें गलतियाँ हो रही थी, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लिया और एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम लग गया था, इस वजह से बहुत लेट होगा। तो कोई नहीं, ये वीडियो आ चुका है आप देख रहे हैं इसलिए। तो अगर आपने अभी तक ये मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है, 6 ब्रांचेस मैंने बता चुकी है जो कि आपने सुने होंगे, और भी ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, और टोटल 30 ब्रांचेस मैंने क्लासीफाई अलग से लिखा हूँ। तो और भी इंजीनियरिंग है मैंने देखा नहीं, पर मेन जो मानी जाती मतलब जो टॉप में आती है अगर कोई भी वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे तो यही सब आ जाती है, राइट। तो ये जो वीडियो है अभी तक आई नहीं क्योंकि सबने 21 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, ज़्यादा इंजीनियरिंग के बारे में बताया नहीं और इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन हो रहा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड वगैरह वगैरह चीज़ें करियर ऑप्शन से रिलेटेड तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से, और शेयर कर दीजिए हर जगह क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग कोर्स है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए
बोल रहा हूँ कि शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और टिल देन के लिए गुड बाय कहता हूँ मैं, इस वीडियो को करता हूँ एंड। और गाइस वो अभी बाय नहीं कहूँगा मैं, दरअसल बात यह है कि मैं ये कह रहा था कि ये जो वीडियो था, जो भी था मेरा टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग में, ये वीडियो सक्सेसफुल या फिर मैं बना ही नहीं पाता अगर मेरे सीनियर से हेल्प नहीं करते। मेरे फाइनल ईयर सीनियर ने बहुत गाइड किया मेरे को, उन्होंने पूरी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जैसे मेरे को पता मैकेट्रॉनिक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं पता थी, उनसे मैंने जानना, और सेकेंड ईयर ने भी बहुत हेल्प किया, और फाइनल ईयर ने भी जो मेरे सीनियर्स हैं सर लोगों ने वो पूरा हेल्प किया। अब मैं बोलूँगा कि गुड बाय, तो सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मैं कहता हूँ अब गुड बाय।